हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान्स किचन ब्लॉग ऑफिस में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत हो गए। अलहमदिल्ला आप लोग सब खैरियत रहिए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चने दाल के पराठे, जिसे बिरई बोलते हैं, आम के साथ खाए जाते हैं। तो चलते हैं बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल की पराठे, और इसे बिरई भी बोलते हैं। इसे आम के साथ खाया जाता है और सब्जी के भी साथ खाया जाता है। तो हमने 300 ग्राम चने की दाल ले ली है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छी तरह से हमने तीन पानी से इसे धो भी लिया है। तो चलते हैं कुकर में इसे ट्रांसफर करने के लिए। हमने ले लिया है कुकर, तो कुकर में सारी दाल को हम पलटे दे रहे हैं। दाल को हमने पलट दिया है कुकर में। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो एक चम्मच भर के हमने जीरा लिया है खड़ा, कम से कम 10 से 12 हमने सूखी मिर्च ली है, आधा चम्मच काली मिर्च ली, दो तेज पत्ते लिए, तीन लौंगे ली। तो खड़े मसालों को हम कुकर में डाले दे रहे हैं। 8 से 10 हमने कलियां लहसुन की ली हैं, वो भी हम डाले दे रहे हैं। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाले दे रहे हैं। एक गिलास भरकर पानी डाल रही हूँ बॉयल होने के लिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद में अब हम रखेंगे गैस के ऊपर, कम से कम 3 सीटियों में हमें दाल गलाना है। जलाकर कुकर को हमने गैस के ऊपर रख दिया है। रखने के बाद अब हम जाएंगे इसके लिए आटा गूंदेंगे पराठों का। हम अपनी फैमिली के हिसाब से आटा छान के लिए आए हैं तसले में। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए, पराठों के लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। बस सारी चीज़ों को इस तरह से आटे को मिलाएंगे। मिलाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे की गूंदाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को मिट्टियों से हम गूंदेंगे, तो बहुत अच्छा सा आटा हमारा गूंद के तैयार होगा पराठों के लिए। तो हमारा आटा गूंद के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब इसको हम लगाने जा रहे हैं। तो तसले से निकाल के, जिसमें हमने सूखा आटा निकाला है, उसी में हम आटे को रख रहे हैं इस तरह से, उसे ढक रहे हैं इसी तसले से कम 15 मिनट के लिए। तो चलते हैं तब तक कुकर के पास। हम कुकर को लेकर आ गए हैं और उसकी दाल सारी प्लेट में निकाले ले रहे हैं ठंडा होने के लिए, तो अच्छी तरह से जल्दी से ठंडा हो जाए। कुकर से सारी दाल को हमने निकाल लिया है, इसको प्लेट में फैलाए दे रहे हैं जिसमें जल्दी से ठंडी हो जाए। तो हल्की फुल्की दाल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम एक मिक्सर जार में दाल को पीसेंगे, तो इस तरह से दो दो चम्मच भरकर पीसेंगे। यूँ लाइट आ नहीं रही है, तो इन्वर्टर से ही हम पीसेंगे। तो दाल पीसकर हमारी तैयार है पराठों के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया बारीक पीसी है। तो सारी दाल को हम एक प्लेट में निकाले ले रहे हैं। इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में इसे मिक्स करेंगे इस तरह से। ऊपर से हमने गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया और चटपटा बनाने के लिए। तो बस हमारा पराठों का भरता बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं गैस के पास। छोटी छोटी हम रोटी ले रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी इसकी बनाएंगे हम बड़ी बड़ी रोटियाँ दो। तो एक और हम ले ले रहे हैं इस तरह से। तो हमने दो ले लिए हैं, दोनों को इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम ले लेंगे हमने दो रोटियां बना ली हैं, तो इसके ऊपर से अब हम दाल को रखेंगे इस तरह से। रखने के बाद में इसको इस तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद में इस रोटी को ऊपर से हम रखेंगे, हल्का हल्का बेलन चलाएंगे इस तरह से। तो हमारा पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम रखेंगे इस तवे के ऊपर सिकने के लिए। आप लोग देख सकते हैं तवे पर हमने पराठे को डाल दिया है सिकने के लिए। तो अच्छी तरह से ये सिक जाए नीचे से। पराठा सिकेगा तब तक दूसरे पराठे की तैयारी कर ली। तो पराठा पलटने के बाद में अब हम लगा रहे हैं तेल दोनों तरफ। तो देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। इतना बढ़िया खरा खरा पराठा बनकर, हमारे चने दाल का ब्रई वाला पराठा बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लें। तो हमारे चने दाल के पराठे बनकर तैयार हो गए, जिसका नाम ब्रई हम बोलते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरह से बनकर तैयार हुए हैं। उसके साथ में आलू की सब्जी है, दो आम हमने रख लिए क्योंकि आम के साथ ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज की अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय। तो आज की रेसिपी थी चने दाल की बिरई के पराठे। तो मैंने किस तरह से बनाए आप लोगों ने पूरी रेसिपी देखी होगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय।